जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, सरकार और पुलिस इस समस्या के सामने बहुत छोटी पड़ जाएगी। अगर ये गंदी सोच बढ़ती गई तो आप सोच सकते हो कि पूरे समाज का हमारा क्या हश्र होगा। इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इस सोच को कम करना पड़ेगा, इस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि इतनी सारी घटनाएं पिछले कुछ सालों में होने लगी हैं? क्या कारण है कि हमारा समाज जो है इसकी सोच इतनी खराब होने लगी है? ये सब इसलिए हो रहा है कि लोगों के बीच में डर ही नहीं है कि लोगों के लिए, कि जैसे निर्भया कांड हुआ, अभी तक उनको सजा नहीं मिली, उनको डर ही नहीं है लोगों को कि ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा आगे। ये गलत है बहुत। जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको लगता है कि पकड़े भी गए तो चलता रहेगा केस। सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है, मेन पॉइंट, प्रॉपर एजुकेशन ही है जो लोगों को एक इस लेवल, उनको माइंडसेट बना सकती है कि वो लोग गर्ल्स को एक सही नजरिए से देखें। बहुत अच्छे सर, बस उन्हें यही सिखाना चाहिए हमेशा स्कूल में कि अगर तुम ऐसा करते हो तो पहले ये अपने आप को उनकी जगह रख के देख लो कि उनको कैसा फील हो रहा होगा। सर अगर उन्हें भी ऐसी फीलिंग समझ में आ जाए तो वो ऐसा कभी ना करें, पर सर ये सोशल एजुकेशन उन्हें नहीं दी जाती आजकल, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। आप कहाँ रहते हो, थोड़ा सा बताओ कि कहाँ सीसीटीवी लगा, उससे क्या फर्क पड़ा, पहले क्या होता था, क्या हुआ, अगर आप बता सको। आपके सीसीटीवी कैमरा लगने के कारण अब जब मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ से आती जाती तो वो लड़के अब नहीं खड़े होते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सीसीटीवी कैमरे में हमारी हर मूवमेंट जो रिकॉर्ड हो गई है। बहुत नाइस, थैंक यू। हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करें तो इस सोच को कैसे बदलें, इस पर मैं चाहता हूं आप लोग कुछ रखें। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूं कि हम स्कूल लेवल पर ही जो टीनेजर्स हैं, हम टीनेजर से ही स्टार्टिंग कर सकते हैं समझाना, और किसी न किसी छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, क्योंकि अब जो बड़े हो चुके हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं, और उनको समझाने से मुझे नहीं लगता कि अब कोई फायदा है, तो हमें स्टार्टिंग टीनेजर से करनी चाहिए ताकि आगे के लिए हम सेफ रहें। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जैसे हम अपने घर में अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, वैसे हमें बाहर औरों की बहन बेटियों की भी इज्जत करनी चाहिए, और हमें उसे ये महसूस कराना चाहिए कि हम उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। बहुत बढ़िया, अगर ये फीलिंग आ जाए तो सब सिक्योर ही सिक्योर है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं हमेशा सभी महिलाओं की इज्जत करूंगा, कभी किसी लड़की से दुर्व्यवहार या दुराचार नहीं करूंगा। अगर कभी कोई महिला मुसीबत में होती है तो अपनी पूरी क्षमता से उनकी मदद करूंगा। मुझे बेहद खुशी है कि ये इस तरह का कार्यक्रम हमारे स्कूलों में शुरू हो रहा है, और हम इसी तरह की चर्चा हर तीन तीन चार चार महीने के इंटरवल्स पे करते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार किया और उसके बाद तीन चार दिन के बाद दिमाग से निकल गया। तो ये इसके ऊपर चर्चा हम करते रहेंगे ताकि हम लोग सजग रहें, हमारी सोच बदलती रहे, पूरे समाज की सोच बदलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।